चक्कर में अभी तक सीट ही नहीं आई। मैं इतना सारा काम करके आ गई हूँ और पता नहीं क्यों नहीं आई। बन तो रही है सीटी, इसमें आ जाएगी थोड़ी देर से। तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं और चलिए आपसे थोड़ी सी मैं बातें कर लूँ, बहुत टाइम हो गया। पहले बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी काम। ये देखो मैं बैठी हूँ और सीटी लग गई। अब मुझे एक दो सीटी लेनी है मुझे, फिर मैं आलू बॉईल हो रहे हैं तो उसमें दो सीटी आनी है, उसके बाद गैस बंद करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। एक और आ जाने दो, नहीं तो ये ना फिर डिस्टर्ब करेगी बात करने में, है ना। जल्दी आओ, जब वेट करती हूँ तब नहीं आती है, देखो। आगे चलो मैं गैस बंद करके आती हूँ, ठीक है। मैंने गैस बंद कर दी और इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:45 बज गए। यस बिल्कुल 5:45 बज गए हैं और सारे काम हो गए घर के जो भी कुछ रहते हैं। 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया था काम करना, तो पौधों को थोड़ा सा देखा बाहर, उनमें पानी दिया और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह तय लगानी थी वो सब लगा दी है और आलू बॉईल कर दिए हैं। बर्तन लगा दिए जगह पर, जो लंच के बर्तन थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि खाना बनाते हैं उस टाइम पे और फिर खाते हैं तो दोनों टाइम पे हो जाते हैं। और थोड़े से बर्तन और हो गए थे तो वो भी मैंने क्लीन करके रख दिए, जब हम खाना वगैरह बना के फ्री होते हैं ना तो उसके बाद के थोड़े से बर्तन रह गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लूँ। तो गाइस आज की डेट है 19 तारीख और आज गुरुवार है, तो कपड़े वगैरह मैंने आज नहीं धोए हैं, कल धोए थे। कल के कपड़े मैंने आज तय लगाई है, कल से वो ऐसे ही डले थे, मतलब 2 दिन में सूखते हैं, तो फिर मैंने कल रात को नहीं उन्हें तय लगाई थी, अभी लगा के मैंने रख दिया है। और गाइस कैसे हो आप सब लोग, अपने बारे में जरूर बताया करो मुझे, क्योंकि मैं तो आपको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे यहाँ पे और यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ का मौसम की तो बात ही मत पूछो आप। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, आपके यहाँ का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ तो सच बताऊँ पूरे बारिश के मौसम में मुश्किल से 1 या 2 ही बारिश हुई होगी और बारिश ही नहीं हुई यहाँ, पता नहीं यार बारिश नहीं होती, मतलब मौसम भी नहीं होता। आप ये देखो एक ताज्जुब वाली बात है ना कि मौसम भी चेंज नहीं होता, धूप निकल आती है सुबह से। मैं हर दिन मतलब रात को सोचकर सोचती हूँ कि बार भगवान कल तो बारिश हो जाए, मज़ा आ जाएगा, अच्छे से अच्छा सा मौसम हो जाएगा तो कुछ गर्मा गर्म बनाएंगे खाएंगे, लेकिन यहाँ बारिश मतलब नाम व निशान नहीं है। बारिश तो दूर की बात है, कभी मौसम भी नहीं होता कि चलो ठंडी हवा चल रही है, मतलब गर्मी गर्मी और गर्मी रहती है हमेशा। मेरे को यहाँ पे इतना टाइम हो गया है दिल्ली में, लेकिन मैं हर साल देखती हूँ यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है बहुत ज़्यादा और यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, बस बारिश ही नहीं होती है। और सभी जगह बाढ़ आ रही है, कहीं मैं सुनती हूँ कि MP में भी इतनी बारिश हो रही है, वहाँ पे बाढ़ आ रही है, वहाँ पे मुंबई में देखो कितनी बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या है कि भगवान मतलब एक नज़र उठा के भी नहीं देखते यहाँ पे कि चलो थोड़ा सा बारिश यहाँ भी हो जाए, थोड़ा सा पानी यहाँ भी बरसा दें, पता नहीं क्या है। बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो यार बहुत दिन से नहीं खाया है, आलू ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं और मैं ना ऑयली फूड कम बना पाती हूँ, मुझे तो पसंद है, मैं बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा खाना बनाना और खाना, लेकिन इनको ऑयली खाना पसंद नहीं है, तो मैं इनकी वजह से ही नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा सुबह से मन कर रहा था कि मैं ब्रेड पकौड़ा बना लूँ, तो मैंने आलू तो रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और क्योंकि कल चटनी बनाई है ना मैंने, अब वो चटनी को खाना है, थोड़ा सा मन कर रहा है, कल ही कर रहा था मेरा तो कुछ ना कुछ बना के खा लूँ, लेकिन कल फिर इतना टाइम हो गया था चटनी वगैरह बनाने में ही, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं कल बनाऊँगी और आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो मैं बना रही हूँ आलू ब्रेड पकौड़ा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, कभी कभी बनाती हूँ, रोज़ तो नहीं बनाती हूँ, मतलब रोज़ क्या, मैं तो 2 या 3 महीने में कभी एक बार बनाती हूँ। ऑयली फूड जैसे कि हमारे यहाँ पे कम खाते हैं, इनको कम पसंद है, मुझे तो बहुत है। तो मेरे पास बहुत बार कमेंट आया था कि दीदी आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो, आपने घर देख लिया, आपने शिफ्ट कर लिया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पुराने वाले घर में ही बैठी हूँ, अभी शिफ्ट मैंने नहीं किया। हाँ मैं कल और गई थी एक और घर देखने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा था, मतलब मुझे जो चाहिए वो उस तरह से नहीं था, लेकिन बना तो अच्छा था, किचन में फर्निश भी था थोड़ा सा, और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ओके लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि छोड़ो अभी और देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी तो चेंज करना नहीं है, हम लोग करेंगे अक्टूबर की स्टार्टिंग में चेंज, ठीक है, जब तक श्राद्ध भी खत्म हो जाएंगे ये तो, और 29 तारीख को इनका एक एग्जाम भी है तो ये भी अपने एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, तब तक मैं इन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। और आप लोग बोलते हो कि दीदी ये वाली रेसिपी शेयर करो, ये शेयर करो, वो शेयर करो, तो डियर
मैं एक एक करके सारी रेसिपी शेयर करूंगी, पक्का करूंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आज ही की आज मैं सारी रेसिपी बना दूं और सारी आपके साथ शेयर कर दूं। तो खाने वाला भी तो होना चाहिए ना, हमारे यहाँ पे दो ही लोग हैं, हम किसको खिलाऊंगी मैं इतना सारा बना करके। वैसे भी आप सभी लोग बोलते हो कि इतना क्वांटिटी में बनाती हो, क्या करती हो, तो मैं इसलिए बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए हम दो ही लोग हैं, मैं खाना फेंकती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना फेंकना। और मैं अगर मॉर्निंग में सब्जी बनाती हूँ तो मैं नाइट में सब्जी नहीं बनाती हूँ। हम लोग मॉर्निंग की सब्जी खा लेते हैं गरम करके। रोटियां मैं दोनों टाइम बनाती हूँ, हर बार बनाती हूँ। कभी भी रोटियां हम सुबह की शाम नहीं खाते, अच्छी नहीं लगती ठंडी रोटियां। और आप लोग बोलते हैं कि इतनी क्वांटिटी में दीदी खाना बनाती हो, आप दो ही तो लोग हो। तो अगर मैं सुबह बनाती हूँ तो रात को नहीं बनाती हूँ। रात को अगर सब्जी ज़्यादा बन जाती है तो मैं उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उसे लंच में खा लेते हैं। तो मैं सब्जी कभी भी फेंकती नहीं हूँ, तो इसलिए इससे मेरा भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। एक दिन की सब्जी तो हम खा ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बासा खाना नहीं खा सकते या ऐसा खाना नहीं खा सकते। हाँ, दो से तीन दिन पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक दिन पुराना खाना हम खा सकते हैं। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है। और आप लोग बहुत सारी रेसिपी के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हो, तो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ और करती भी रहूँगी, धीरे धीरे बनाऊँगी, टेंशन ना लो, बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर। और डियर आप सभी लोग पूछते हो कि बहुत बार पूछते हो, एक बार नहीं, मैं ना रिप्लाई करते करते भी थक गई हूँ। मैंने आपको बोला है कि आप मेरा इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप पुराने वीडियो देखते नहीं हो, फिर बोलते हो दीदी ऐसा, दीदी वैसा, दीदी ये, दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये वाला कमेंट बहुत बार आता है कि मेरे हस्बैंड किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है, फिर से बता देती हूँ, और डिटेल में अगर आपको देखना है, मेरी पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, तो आप इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड UPSC की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, और प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि हम दिल्ली में कहाँ रहते हैं, क्योंकि नहीं बता सकती मैं। आप समझ सकते हो, इतने तो समझदार हो आप, मेरे से बड़े हो और छोटे भी हो, तब भी आप समझ जाइए मैं नहीं बता सकती कि मैं दिल्ली में कहाँ रहती हूँ। हाँ, बस मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं MP से रहती हूँ, MP से बिलोंग करती हूँ। सब लोग आप पूछते हो कि दीदी आप राजस्थान से हो क्या, आप UP से हो क्या, आप मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से हो। तो मैं MP से हूँ, MP में ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मुझे आपको बतानी थी। घर चेंज अभी मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ 1 अक्टूबर के बाद हम लोग कर सकते हैं, अक्टूबर की स्टार्टिंग में हम लोग कर लेंगे। करवा चौथ से पहले मैं घर चेंज कर लूँगी पक्का, क्योंकि उसके बाद फिर इतना बिजी होने वाली हूँ, इतना बिजी होने वाली हूँ, मतलब देखिए घर चेंज करना रह जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग का काम चलेगा, उसके बाद फिर करवा चौथ की तैयारी। करवा चौथ उस टाइम पे सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, दिवाली आ जाती है, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा मतलब बर्डन एक बार में मतलब पूरा पड़ने वाला है मेरे ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने भी इनको बोला है कि अपन जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे काम अपने जो है छूट जाएंगे, क्योंकि दिवाली की बहुत सारी तैयारियां होती हैं, डेकोरेशन का काम होता है, पकवान बनाने होते हैं, अपनी भी तैयारी करनी होती है, और साथ में आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाने होते हैं। वैसे मैं आराम आराम से कर लूँ, लेकिन ब्लॉग के लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम लेकर के काम करना होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर भी तो करना होता है ना। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, वो गए हैं मार्केट। मैंने उनको बोला है कि धनिया लेकर के आना, क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे हो हरे धनिया की चटनी की रेसिपी शेयर करूं मैं। तो ठीक है, मैं उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूं, कैसे बनाती हूं चटनी, क्योंकि मुझे आलू बड़े के लिए तो बनानी ही है, तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आलू मैंने निकाल के रख दिए थे कुकर से, और जैसे ही कुकर की जब सीटी निकल जाती है ना, तो कुकर जैसे ही ठंडा हो जाए वैसे ही आप आलू को निकाल दें, कोई भी रेसिपी बना रहे हो, क्योंकि अगर वो गर्म पानी में डले रहेंगे ना तो आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं। तो मैंने तुरंत ही निकाल दिया था कुकर ठंडा होने के बाद, और बस प्लेट में रख दिया था, ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें पील कर लेती हूँ, और मैंने ज़्यादा इसलिए बॉयल किए हैं क्योंकि मैं भरवा शिमला मिर्च बनाने की भी सोच रही हूँ, या तो अभी बनाऊँगी या फिर मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, अब मैं इनमें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो आलू लिए हैं सिर्फ, क्योंकि हम दोनों के लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने बारीक हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, रखा हुआ था पुदीना इसलिए डाल दिया, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, और दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक काट लिए थे, वो डाल दिए हैं। अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और
थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पे आमचूर पाउडर, ये बहुत अच्छा लगता है, इससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, कम बना रहे हो ज़्यादा बना रहे हो। मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप मसाले अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो बस ये बन के तैयार हो गया है, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और बिल्कुल हमें इसे अच्छे से बारीक बारीक तोड़ना है आलू को, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकती हो क्योंकि ब्रेड में फिलिंग भरनी है ना इसलिए। तो यहाँ पे मैं घोल तैयार कर रही हूँ बेसन का। 1 कप बेसन लिया है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, और थोड़ा सा डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मैंने अजवाइन भी डाली थी जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, सॉरी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, आप चाहें तो डालिए नहीं तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। इसकी वजह से क्या है, ब्रेड पकौड़े जो है थोड़े से फूले फूले और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा सोक करते हैं जब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तो बस अच्छे से हमें घोल तैयार करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम से डालोगे तो ये पतला हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं चाहिए। ब्रेड पे हमें कोट करना है इसलिए थोड़ा सा थिक ही रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इसे रनी भी नहीं करना है। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, मैं अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगी। और पानी आप देख रहे हो बिल्कुल एक एक दो दो बूंद करके मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये पतला ना हो जाए। तो ये 3 से 4 ब्रेड के लिए काफ़ी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरे धनिया की चटनी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है जो कि अभी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, और इसमें जो डंडियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी मत निकालिएगा, सॉफ्ट वाली। अच्छा फ्लेवर ना चटनी का, असली फ्लेवर इसी से आता है। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, लहसुन की कली ली है 4 से 5, 2 हरी मिर्ची ली है, और बस ये सब डाल देंगे। तो थोड़ा सा लहसुन ख़राब सा लग रहा था मुझे, इसे मैंने कट कर दिया है। आधा नींबू मैंने काट के रखा है, अभी डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, नमक बहुत संभल के डालिएगा क्योंकि चटनी बनने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा डालिएगा, कम लगे तो बाद में डाल लेना। और यहाँ मैंने जीरा डाला है थोड़ा सा, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। तो नींबू क्यों डाला जाता है मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है 1 पिंच, और बिल्कुल आधा हम नींबू डालेंगे। नींबू इसलिए डाला जाता है, एक तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, दूसरा आपकी चटनी का कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा, बिल्कुल ग्रीन रहेगा, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी आपकी चटनी, इसलिए नींबू ज़रूर ऐड करिएगा। आप कलर देख सकते हो धनिया का, बहुत सॉरी चटनी का, बहुत ही सुंदर कलर, एकदम ग्रीन कलर बन के आता है। तो नींबू इसीलिए मैं डालती हूँ। और ग्रीन चटनी बहुत तरह से बनती है, बहुत तरह से मैं बनाती हूँ। सैंडविच चटनी अलग बनती है, रोटी के साथ खाने वाली चटनी अलग बनती है। तो जब जब मैं बनाती जाऊँगी अपने घर पे चटनी तो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आज ही बिल्कुल सिंपल सी चटनी है, बहुत अच्छी लगती है, जल्दी से बन जाती है और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, उसके साइड वाले जो किनारे होते हैं ना ब्राउन कलर के, वो मैं निकाल दूँगी। आपको एक सैंडविच मैं दिखा रही हूँ बिना किनारे वाली, और एक दिखाऊंगी किनारे वाली। तो जैसे कोई गेस्ट आते हैं ना तो आप इस तरह से ब्राउन वाला साइड जो है हटा दोगे ना, तो उससे क्या होता है सैंडविच का शेप अच्छा आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में ली है सॉस, टोमेटो सॉस है ये। तो एक पे लगा रही हूँ मैं टोमेटो सॉस, और एक पे लगाऊंगी ग्रीन वाली चटनी। आप चाहें तो दोनों साइड चटनी लगा सकते हो, अगर चटनी नहीं तो आप दोनों तरफ सॉस भी लगा सकते हो, और आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन जब हम चटनी और सॉस लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है ब्रेड अच्छे से चिपक जाती है, और अगर आप खाली आलू लगाओगे ना तो ब्रेड अच्छे से चिपकती नहीं है, तो इसलिए ये लगाया जाता है। और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस आलू की मैंने बहुत अच्छे से लेयर लगा दी है और इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो आप देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है, ग्रीन रेड और आलू वाला कलर। तो बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो गई है, मैंने बीच में से कट कर दिया है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर किनारे नहीं निकाल रही हूँ, आपको किनारे के साथ बता रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हो। घर में तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि हम आँखों से पहले खाते हैं, बाद में उसको टेस्ट करते हैं। देखने में चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए मैं गार्निश वगैरह ज़्यादा ध्यान देती हूँ उस सब चीज़ों पे। तो बस ये देखिए सेम तरीके से मैं यहाँ पे फिलिंग भर रही हूँ अंदर, और बिल्कुल इक्वली आपको अच्छे से इस पे ब्रेड पे आलू लगाना है, सब जगह लग जाए अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए दूसरे वाले ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे और इसे कट कर देंगे बीच में से। ये देखिए सैंडविच वाला स्टाइल, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो बस अब चलते हैं हम इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, जैसे कि आपको पता है मैं ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब
ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार जब फ्राई करने के बाद ना ऑयल फिर बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा सा हो जाता है रिफाइंड ऑयल, आप देखना इस चीज़ को नोटिस करना, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए बहुत कम ऑयल लेती हूँ कि ये इसमें ही ख़त्म सा हो जाए। तो बस ये मैंने डिप करके बहुत अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है हमें बेसन को ब्रेड के ऊपर, और इसे मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा एक दो चम्मच डाल करके आप सैंडविच की तरह इसे सेक सकते हो तवे पर, लेकिन मैं यहाँ पर ना तो सैलो फ्राई कर रही हूँ ना डीप फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना कम ऑयल मैंने डाला है, और इसे दोनों तरफ से हमें बहुत अच्छे से, दोनों तरफ से नहीं हमें चारों तरफ से सेकना है, क्योंकि जो किनारे हैं वहाँ भी बेसन लगा हुआ है। तो इस तरह से मैं पलट पलट के सभी जगह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लूँगी, और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आप स्लो फ्लेम पे इसे सेकोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है ब्रेड है ना इसके अंदर, इसलिए तो इसे कोशिश करें कि आप हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो इस तरह से देखिए कितना कम ऑयल लिया है मैंने, इस तरह से अपने जुगाड़ से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, और कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमें करना है। और ये हमारा यम्मी यम्मी आलू ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। मैं सच बताऊँ तो हम लोग मार्केट का कभी भी कुछ भी नहीं खाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही मतलब पता नहीं कैसे बनाते हैं, और मार्केट का हम लोग कम खाना पसंद करते हैं, जैसे वो ट्रेंड वगैरह में मिलती है ना, मैं तो कभी भी नहीं खाती हूँ उनको, मैं हर चीज़ घर में ही बनाना पसंद करती हूँ और घर में ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस ये देखिए मेरा दूसरा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है, इसी तरह से मैं सारे ब्रेड पकौड़े बना के तैयार कर लूँगी, और हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी गर्मा गर्म खा लेंगे। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? मैंने सिर्फ आपके साथ आलू ब्रेड पकौड़ा रेसिपी शेयर की है, और चटनी की रेसिपी भी शेयर की है, और ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। तो बस आप भी इसे ट्राई कीजिए, संडे में सैटरडे में अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से मैं सारे ब्रेड पकौड़ों को देखिए मैं कोट करना है, और डाल दूंगी कढ़ाई में। तो मैंने इतने बैटर में चार ब्रेड टोस्ट बना के तैयार किए थे, और आलू का पेस्ट बच गया है, तो कल मॉर्निंग में मैं सोच रही कि सैंडविच बना लूँगी। अब यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, मैंने बनाई है हरे धनिया की चटनी, और ये चटनी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो ये देखिए ब्रेड पकौड़ा एकदम रेडी है, बहुत ही यम्मी यम्मी। आप इसे ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तब बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको अंदर से तोड़ करके दिखा रही हूँ, इस तरह से ये दिख रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं इंजॉय, तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।